सुन्नी दावत इस्लामी 1996 से 96 से हैदराबाद की सरजमीन पर रियासती इज्तिमा मुनक्किद कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह यानी तकरीबन आप कमोबेश 20 सालों से सुन्नी दावत इस्लामी इस सरजमीन पर, ये सरजमीन को अगर मैं मदीनतुल उलमा कहूँ तो गलत नहीं होगा। अहले इल्म की ये सरजमीन है और इस सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी 1992 से काम कर रही है और सालाना इज्तिमा 1996 से अब तक हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी 4 और 5 मार्च को सुन्नी दावत इस्लामी का रियासती सतह का सुन्नी इज्तिमा हैदराबाद की सरजमीन पर मीर आलम ईदगाह मैदान में मुनक्किद होगा इंशाअल्लाह। और इस इज्तिमा में जो 4 तारीख को इंतज़ाम किया गया है वो ख़वातीन के लिए और 5 को मर्दों के लिए इंतज़ाम है और इस इज्तिमा से खुसूसी खिताब के लिए जहाँ सादात किराम, उलमाए किराम, मशाइख़ी निज़ाम, मुबल्लिगीन तशरीफ़ ला रहे हैं वहीं पर हमारे कायद मोहतरम आलमी खतीब मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद शाकिर रिनवी साहब की बिला बिलखसूस इस इज्तिमा में कलीदी खिताब फरमाएंगे। आपका पूरा सर खिताब सुनने के लिए मुबल्लिगीन उलमा और सादात किराम से इस्तेफादा करने के लिए मैं आप सबको दावत देता हूँ कि आप 4 और 5 मार्च की तारीख अपने दोस्त अहबाब में भी बताएं और इज्तिमा की खूब तशहीर करें। आप खुद भी आएं और अपने दोस्त अहबाब को भी इज्तिमा में लाएं ताकि अगर अपनी वजह से किसी एक मुसलमान की ज़िंदगी में भी इंकलाब पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह वही बंदा हमारे लिए निजात का जरिया बन सकता है। तो क्या मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इज्तिमा में आएँगे भी और लाएँगे भी इंशाअल्लाह, आप इज्तिमा की तशहीर करेंगे इंशाअल्लाह। 4 और 5 मार्च की खूब तशहीर कीजिए और हज़ारों की तादाद में आप नौजवानों को लाने की कोशिश कीजिए। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।